हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम लोग घर के एनर्जी मीटर, एमसीबी और बोर्ड की वायरिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड की वायरिंग कर लेंगे। तो हमारे इस बोर्ड में 2 पिन प्लग है, एक रेगुलेटर है और 3 स्विचेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड की वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 3 स्विचेस के बॉटम पॉइंट को हम लोग कॉमनली कनेक्ट कर देंगे, और जो 2 पिन प्लग है उसका बॉटम पॉइंट हम लोग स्विच 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्विच 2 का जो पॉइंट है, अपर पॉइंट, वो हम लोग बल्ब के साथ कनेक्ट कर देंगे, और रेगुलेटर का एक वायर हम लोग स्विच 3 के अपर पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, और रेगुलेटर का जो दूसरा वायर होगा वो हम लोग फैन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ओवरहेड लाइन से जो हमारा फेज और न्यूट्रल आ रहा था वो हम लोग एनर्जी मीटर के इनपुट में दे देंगे। अब एनर्जी मीटर का आउटपुट में से भी हमको फेज और न्यूट्रल मिलेगा, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, फेज का जो वायर होगा वो हम लोग एमसीबी के थ्रू, जो हमारे 3 पिन के शॉर्टिंग किए हम लोगों ने बॉटम पॉइंट को, उसको दे देंगे। तो ये हमारी फेज वायरिंग कंप्लीट हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फैन, बल्ब और सॉकेट के जो न्यूट्रल्स आ रहे हैं उसको कॉमनली कनेक्ट करके एनर्जी मीटर के जो आउटपुट से न्यूट्रल आ रहा है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज हम लोगों ने इस वीडियो में स्विच बोर्ड, एनर्जी मीटर और एमसीबी की वायरिंग देखी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।